एडवोकेट कौशल सिंह जी सर, बताएंगे क्या मामला था आज लोक अदालत में आप लोगों ने समझौता किया है? जो पीड़ितागण है जी, इनके जो पति है उनको बिजली विभाग के द्वारा प्राइवेट में कार्य करवाया जाता था और कार्य कराने के दौरान खंभे से गिर के मृत्यु हो गई जी। उस दौरान लगभग 11 साल पूर्व की बात है, कोई कंपनसेशन या कोई इनको सहायता राशि विभाग के द्वारा नहीं दी गई थी जी। हमारे द्वारा माननीय न्यायालय श्री के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया और ये प्रकरण लगभग 11 साल लंबित रहने के दौरान माननीय श्री आशीष पाठक जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं इनको द्वारा उनको राजीनामा के आधार पर आज प्रकरण को सम्मान करवाया। मुआवजा राशि कितनी मिली सर? ये विभाग के नियमानुसार जो है 2,50,000 रुपये इनको मुआवजा स्वरूप आज इनको दिया गया। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं समझौते से? लोक अदालत मानने से आपको अच्छा लगा, राहत मिली आपको? सर आपका परिचय? सर बताएंगे आज आप लोगों के द्वारा लोक अदालत में केस लगाया गया था जिसमें समझौता हुआ है, क्या मामला था सर? ये फैमिली मैटर था जी, पारिवारिक मामले में जो है ये बंटवारे का केस चल रहा था जो प्रॉपर्टी का। सर प्रॉपर्टी का जी जी, इसमें आपसी राजीनामा इन लोगों का हुआ जी, आपसी राजीनामा लोक अदालत में मामला नहीं पड़ा। क्या नाम से था सर केस? मुकेश विरुद्ध प्रमोद जी। तो ये केस कितने साल से चल रहा था सर, कितने साल से पेंडिंग? अभी लेटेस्ट ही केस हुआ था और ये 2-3 महीने के अंदर ही इसमें जो है आपस में राजीनामा जी। जी सर बताएंगे इसमें आपके पक्षकार कितने संतुष्ट हैं इस फैसले से? सर मेरा पक्षकार मुकेश है, ये वादी है जी। वादी के द्वारा अपनी समस्या बताई गई जी, कुछ पारिवारिक विवाद की वजह से जो संपत्ति जो इनकी हिस्से में थी उसके कब्जे में कोई व्यवधान आने की वजह से ये न्यायालय में आए जी। यहाँ आने के बाद जब उन सबको नोटिस हुआ और फिर कुछ सभी भाई हैं आपस में मिल बैठ करके निर्णय ले लिए जी कि कौन सी संपत्ति किसके हिस्से में जो बंटवारा हुआ है जी, उस हिसाब से राजीनामा कर दिए गए। तो उसके अनुसार ही हम अपना आप संतुष्ट हैं न्यायालय के फैसले से? अदालत में संतुष्ट हम लोग, सब भाई संतुष्ट, मतलब ये मानते हैं कि लोगों को लोक अदालत में इसी में सब अपना समझौता कर लेना चाहिए। आप अदालत से लोगों को फायदा प्राप्त जी, इसकी अपील भी नहीं होती है मेरे ख्याल से? अपील नहीं होती है और ये हमेशा के लिए विवाद निपटारा हो जाता है, विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपस में एक दूसरे का प्रेम संबंध पुनः होता है जी। थैंक यू। दोस्तों अगर हमारा चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।